गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत आर्या। गाइस, आज मैं खाना का ब्लॉग नहीं बनाई हूँ क्योंकि आज करवा चौथ की तैयारी मुझे करना है। कल है करवा चौथ, आज मैं बाल में जा रही हूँ मेहंदी लगाने, हाथ में भी मेहंदी लगाऊंगी, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं था। इसलिए मैं आज सिर्फ दहीवाड़ा का ब्लॉग बनाऊँगी, वो दहीवाड़ा में मैं बनाऊँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा गाइस मैं कैसा बना रही हूँ। देखिए गाइस, मैं उड़ीद की दाल को रात में भिंगा करके रख दी थी, उसको मैं मिक्सर जार में ग्राइंड कर ली हूँ। आधा केजी मेरा उड़ीद का दाल है और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ और थोड़ी सी नाम मात्र के लिए नमक डालूँगी, बस इतनी सी, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, इसका स्वाद बेकार आ जाएगा। अब मैं इसको मिलाऊँगी। देखिए गाइस, मैं इसको मिला ली, इसमें हल्का सा येलो कलर आया है, इससे ज़्यादा डार्क येलो नहीं करना है। इधर मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ और इसमें मैं जीरा को भूनूंगी। मैं घर में ही जीरा पाउडर तैयार करती हूँ, मैं बाहर का जीरा पाउडर दहीवाड़ा में नहीं यूज करती हूँ। मैं इतनी सी जीरा ली हूँ और इसको मैं भूनूंगी। थोड़ी सी और चलाऊंगी, फिर मैं इसको उतार लूंगी। अभी तो लाइट है नहीं, नहीं तो मैं अभी ग्राइंड करके दिखा देती आपको। अभी तो है नहीं लाइट, कोई बात नहीं, लाइट आने पे मैं इसको मिक्सर जार में चलाऊंगी। इसका पाउडर तैयार करना है। देखिए गाइस, मैं इसी कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ जिस कढ़ाई में मैं जीरा चम्मच नमक ली हूँ, ज्यादा मत लीजिएगा। मैं उसे गैस पे चढ़ा दी हूँ, उस चूल्हे पे। इधर मैं एक और कढ़ाई को चढ़ाऊंगी, इसमें मैं बाड़ा तैयार कर रही हूँ। रात में दोनों हो जाएगा, वैसे बहुत टाइम लगेगा। मैं इसमें छोटा सा कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई है ये, मैं चढ़ा दी हूँ। मैं इसे मैं बड़ा को तैयार करूँगी। देखिए
देखिए गाइस मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड। मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ विष्णु भगवान के लिए। पहला मैं इसे निकाल के विष्णु भगवान को दूंगी, फिर जा करके आगे बनाऊंगी। मैं 100 ग्राम इमली की चटनी बना रही हूँ। अब मैं फिर इसमें मसाला डालूंगी। इस बार मैं ज्यादा बड़ा साइज में डाल रही हूँ। इसी तरह से आप भी कीजिएगा गाइस, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में सबको अच्छा लगता है दही बड़ा। अब इससे ज्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो पलटने में फिर दिक्कत होने लगता है। देखिए गाइस मेरा चटनी बनके तैयार है। अब मैं इससे ज्यादा थिक नहीं करूंगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं कर रही हूँ गैस को ऑफ। देखिए गैस, ये भी दूसरा राउंड भी मेरा निकल गया है। मैं फिर से इसको पानी में डाल रही हूँ। पानी में डाल दी हूँ, फिर से मैं इसको प्रेस करूंगी। इस तरह से दबाना है। मेरा बाड़ा बन के तैयार है। ये आधा केजी का बाड़ा है, आप कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो देखिए गाइस मेरा बन गया है बाड़ा, और मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने। देखिए मेरे बालों पर मेहंदी लगी हुई है, कल है करवा चौथ, इसलिए मैं इतना मेहंदी लगाई हूँ और ये दहीवाड़ा का रेसिपी डाली हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहे थे दहीवाड़ा के लिए, इसलिए मैं करवा चौथ से ही बना ली।
तो गैस मैं जा रही हूँ आगे का काम करने। गैस देखिए आप लोग को देख करके।